नमस्कार प्यारे दोस्तों आज मैं रूपाली दीदी आपके लिए एक मज़ेदार एक्टिविटी लेके आई हूँ ये बहुत ही आसान एक्टिविटी है और आप इसे एक से चार लोगों के बीच में खेल सकते हैं इस एक्टिविटी में हम अपनी फैमिली के साथ मज़े करते हुए सिर्फ अपनी उंगलियों और हाथों से सुंदर फूल बना सकते हैं इस दिलचस्प एक्टिविटी के लिए आपको एक सफ़ेद शीट पेंसिल वाटर कलर और ब्रश की जरूरत होगी अगर आपके घर में कलर्स ना हो, तो परेशान मत होना आप रंगीन कागज के टुकड़े चिपका के फूल बना सकते हैं या फिर घर पे भी रंग तैयार कर सकते हैं तो देर किस बात की है दोस्तों चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी पीठ सीधी करके आराम से बैठ जाइए जब आप तैयार हो जाएं, तब आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी सांस पे लाइए और अपनी नाक से चार से पांच लंबी लंबी सांसें अंदर और बाहर खींचिए दो तीन, चार पांच धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए अब एक सफेद पेपर के बीचों बीच पेंसिल से एक बिंदी के साइज जितना बड़ा गोला बनाइए ये फूल के बीच वाला भाग है जब वह गोला बन जाए तो अपने अंगूठे को पेंट या कलर के अंदर डुबाइए और अपने गोले के चारों ओर जैसे फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं वैसे निशान बनाइए अब कुछ देर इसे सूखने दीजिए जैसे ही ये सूख जाए उस फूल पर एक तना ब्रश या स्केच से जोड़िए और थोड़ी पत्तियाँ बनाइए अब आप अपनी फैमिली के किसी सदस्य को बुलाइए और उनके अंगूठे को रंग में डुबा के एक और फूल बनाइए इसी तरह आप अपनी फैमिली के और सदस्यों के साथ खेल कर और भी फूल बना सकते हैं और एक गुलदस्ता तैयार कर सकते हैं अब अपनी पेंटिंग को देखिए और विचार कीजिए आपको ये पेंटिंग बनाकर कैसा लगा आपके फैमिली मेंबर्स को ये एक्टिविटी कैसी लगी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी करके मजा आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा जल्दी मिलेंगे एक नई एक्टिविटी के साथ तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए बाय